झारखंड में और आर्चरी इतना महंगा गेम है, इक्विपमेंट का जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सरकार और सभी लोग इसमें अगर जो हेल्प करें तो सर टैलेंट का कमी नहीं है सर झारखंड। ओलंपिक खेलना चाहते हैं। ओलंपिक खेलना चाहते हैं। खुश तो नहीं है। काहे? क्या? स्कोर मेरा कम है सर। हजारीबाग में स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जिसमें अंडर 19 में गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आयुष महतो। आयुष जी, कितना खुश हैं आज गोल्ड मेडल मिला? खुश तो नहीं है। काहे? स्कोर मेरा कम है सर। अच्छा, स्कोर मेरा कम है, और मेहनत करेंगे। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस? वन मंथ। और वन मंथ में आपने गोल्ड हासिल कर लिया? यस सर। तो इससे तो खुश होना चाहिए। यस सर। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? सर फार्मर है। फार्मर है। तो घर से अपने मर्जी से हुआ ये खेल पसंद, या फिर कोई बताया कि इसमें आ जाओ? सर बताया। कोई बताया? तो अब इंटरेस्ट है आपको इस खेल में? यस सर। आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? ओलंपिक खेलना चाहते हैं। ओलंपिक खेलना चाहते हैं। तो और मेहनत करेंगे तो स्कोर भी अच्छा होगा। कितने भाई बहन हैं? एक भाई। बस अकेले? इनके कोच भी हैं हमारे साथ, शमशाद जी। कैसा लगता है जब बच्चे गोल्ड हासिल करते हैं, आप मेहनत करते हैं दिन रात, और जब कामयाब होते हैं तो खुशियाँ कितनी मिलती है? सर मैं सबसे पहले आपको 22 स्कोप को मैं स्वागत करता हूं सर आपको, क्योंकि आर्चरी ऐसा इवेंट है कि क्योंकि इसका प्रचार जो है ना बहुत कम करने वाले, बहुत लोग कम जानते हैं इसको। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा सर, क्योंकि आपका 22 स्कोप चैनल जो आज हमारे बीच आप आए हैं, और बच्चों लोगों को प्रोत्साहित के लिए ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे को, ये लोग सुनेंगे और देखेंगे, तो कुछ बच्चे तो जो है आर्चरी में आएंगे और ये इसका मतलब ज़्यादा स्कोप भी होगा, लोग जानेंगे भी आर्चरी को। तो सर बच्चे जब मेडल जीतते हैं ना सर, तो सच्चाई है कि माँ बाप से ज़्यादा तो श्योर है कि वो कोच को बहुत ज़्यादा मतलब उसको उत्साहित होता है, और वो मतलब अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। और रहा सवाल बच्चे का, ये जिसने आयुष ने बताया कि वो बहुत कम स्कोर मारा है, तो सर ये स्कोर बहुत कम नहीं है, आउट ऑफ 360 में ये 344 मारा है, तो ये लगभग ये 9 और 10 मारा है, सिर्फ 6 एरो जो है ये 9 मारे हैं। आउट ऑफ 360 जो होता है हम लोग का स्कोर, उसमें 36 तीर में जो मारनी होती है, अगर जो 10-10 मारते हैं तो आउट ऑफ 360 होता है, जिसमें ये 354 मारे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आयुष के लिए। और सर जैसा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा स्टेटमेंट में आने में, और मेरे स्टूडेंट लगभग आपका अभी 12 बच्चे जो है ना आर्मी डिफेंस में है, लगभग रेलवेज में है, असम राइफल में है, अदर स्टेट में कोचेस भी हैं हमारे स्टूडेंट लोग जो धनबाद के थे और हैं। तो धनबाद में कहाँ सिखाते हैं? सर धनबाद में टाटा आर्चरी फीडर सेंटर है, जो टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा वो चलाया जाता है, और टाटा स्टील को बहुत सहयोग भी मिलता है। कुछ कमी है, चूँकि सर झारखंड में और आर्चरी इतना महंगा गेम है सर, तो क्या है कि आपका इक्विपमेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर, और इसमें अगर जो सरकार और सभी लोग इसमें अगर जो हेल्प करें तो सर टैलेंट का कमी नहीं है सर झारखंड में। यहाँ से काफ़ी ओलंपियन है, बहुत सारे लोग, दीपिका, जयंत तालुकदार, राहुल बनर्जी, ये सब यहीं से बाहर हुए, टाटा प्रोडक्ट है, और आपका मंगल सिंह चैंपियन, बहुत सारे लोग हैं सर जो मतलब नाम बहुत लंबा लिस्ट है तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन सर यहाँ से लगभग झारखंड से ही ओलंपियन लोग बाहर आज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है और झारखंड के लिए गर्व की बात है। आज छोटे छोटे नन्हे बच्चे आप देखे होंगे कि सभी लोग ने तीर निशाना साधा अपने अपने लक्ष्य के, तो ये लगता है कि जब बच्चा मेडल जीतता है तो हमको लगता है कि बस बहुत अच्छी बात है और हमको और प्रयास करने का जरूरत है। और ये बहुत कम समय में सर, ये आयुष जो है बहुत कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये बताता है कि आयुष का लगन जो है वो काफी है, और इसीलिए वो निराश है कि हमने स्कोर अच्छा नहीं किया, तो बड़ा लक्ष्य है इसका, ये हासिल करेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैंने यहाँ पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर अभिभावक आए, तो अब जागरूक हो गए हैं खेल के प्रति लोग, और अपने बच्चों को इसमें शामिल करा रहे, तो थोड़ी महंगाई जो है जरूर मार रही है, तो लग रहा है कि लोग या सरकार मदद करे तो और बढ़ेगा। बिल्कुल, सरकार को मदद करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे, देखिए सर आर्चरी महंगा गेम, दूसरा चीज क्या है, सभी बच्चे गरीब लोग आते हैं इसमें,
बड़े बच्चे तो मतलब जो बड़े घर के लोग होते हैं वो तो आर्चरी या खेल में बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि आर्चरी में इतना स्कोप है झारखंड में सर कि बहुत लोग जॉब, जैसे बताएं सर, बहुत लोग को जॉब मिलता है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत मतलब बोला जाए तो जॉब का कमी नहीं है झारखंड में, आर्चरी में मैक्सिमम बच्चे जॉब करते हैं। और जैसे आयुष ने बताया सर कि क्या होता है आपका इसका स्कोर सही नहीं, वहाँ पे सर ये 358 मार करके आया था सर, लेकिन यहाँ पे इसका 4 पॉइंट कम हो गया, इसीलिए मायूस है। तो ये बड़ा स्कोर खड़ा करके आया था इसीलिए थोड़ा मायूस है, लेकिन लगभग स्कोर बढ़िया है तभी इसको गोल्ड मेडल मिला। और मैं सर फिर से पुनः आपको धन्यवाद दूंगा सर इसको आप आर्चरी को आगे बढ़ाने के लिए सर प्लीज। तो बिल्कुल हमारी भी कामना है कि आयुष जो है वो ओलंपिक तक पहुंचे और जो लक्ष्य है उसे हासिल करे, और सरकार से भी हमारी अपील है कि इन खिलाड़ियों को हर संभव मदद दे ताकि इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। हजारीबाग में यह एक प्रयास जो है काफ़ी रंग लाने वाला है, क्योंकि गांव के उन बच्चों को मौका मिलेगा जो अब तक जिनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं हासिल हुआ था। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस को हजारीबाग। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।